अब आपके लिए मैं कौशिक। आज हमारे साथ जाने माने चिकित्सक डॉक्टर एस एन सिंह हैं। आप लोग डॉक्टर एस एन सिंह को हमेशा बात बात में सुनते ही रहते हैं, तो आज डॉक्टर एस एन सिंह से हम लोग होम्योपैथ चिकित्सा में कुछ लोगों को भ्रांतियां जो है होम्योपैथ को लेकर के उस विषय पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका, नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, होम्योपैथ चिकित्सा को लेकर के लोग ये सोचते हैं कि होम्योपैथिक दवाएं जो हैं वो देर से सुनती है, इस विषय पर क्या कहना है? पहले तो मैं बात विवाद की पूरी टीम को धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि होम्योपैथ को लेकर ये चैनल शुरू से काफ़ी सजिंदा रहा है और जिसके प्रतिफल लोगों की काफ़ी जिंदगियाँ बची है, इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद बोलता हूँ। अब आता हूँ आपके सवाल पर कि क्या होम्योपैथिक दवाएं वाकई देर से सुनती हैं। तो इसके विषय में ये पूरी तरह आप जानिए कि ये एक मिथक है, एक भ्रम है और इसको बड़ी योजनाबद्ध तरीके से फैलाया गया और बरकरार रखा गया। अब आपको एक बात बताते चलें कि होम्योपैथी नवीन पैथी है, नवीनतम पैथी है, लेकिन इसको रखा गया है पुरानी चिकित्सा पद्धतियों के लिस्ट में। हनीमन साहब, ये समझिए कि 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के शुरू में ये पैथी पैदा हुई और इसको रख दिया गया है पुरानी चिकित्सा पद्धतियों जानबूझकर। हनीमन साहब खुद एलोपैथी को ओल्ड पैथी कहे हैं। इस नवीनतम पैथी को ओल्ड पैथी में रखने का एक योजना और एक षड्यंत्र है ताकि इसके बारे में जो भ्रम है वो बरकरार रहे। तो ये कंप्लीट मिथक है, ये भ्रम है और ये भ्रम जितनी दिनों तक जितनी देर तक रहेगी जनता का अहित होता रहेगा और जनता चिकित्सकीय जटिलताओं में घिरती जाएगी। आपको बताते चले कि अभी जो दुनिया के सामने महामारी कोरोना की आई उसमें ये सारे मिथक और सारे भ्रम होम्योपैथी ने तोड़ दिया और जहां कहीं भी होम्योपैथ का एक्सपर्ट चिकित्सक मिला वो कहीं भी कोरोना जैसी दहशत ज्यादा बीमारी के दबाव में नहीं रहा जो होम्योपैथ के दायरे में रहा, होम्योपैथ पर विश्वास जिसने किया जी बिल्कुल। अगर ये 250-250 पहले ये मिथक टूट गया होता तो आज होम्योपैथ में कितनी प्रतिभाशाली चिकित्सक आ गए होते और आज जितनी बहुमूल्य जिंदगियां चली गई वो नहीं गई होती। तो ये तो सारे मिथकों को कोरोना ने तोड़ दिया है, होम्योपैथिक दवाएं देर से सुनती हैं। अब भी अगर लोगों को इस पर थोड़ा भी संदेह है तो निश्चित रूप से एक चिकित्सकीय जटिलता को बनाए रखने में मददगार होगी। अच्छा, सवाल मैं बीच में ये करूंगा कि जैसे एलोपैथ में कुछ दवाएं ऐसी आती हैं जिसको घर में लोग रखते हैं, जैसे सर दर्द हुआ या अचानक से बुखार आ जाना या दस्त होने लगना तो लोग दवा ले लेते हैं और पी के रिलीफ हो जाता है, तो क्या होम्योपैथ में ऐसी व्यवस्था है? देखिए, चूंकि एलोपैथ के बारे में तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, होम्योपैथ के बारे में बोलता हूँ। पहले आपका कुछ सवाल वो अधूरा रह गया कि क्या देर से सुनती है। मैं बता रहा हूँ, बक्सर में सैकड़ों, एक दो नहीं, सैकड़ों जिंदगियां जो बची है वो बिना किसी हेल्प के बची हैं और जहाँ
एलोपैथी को ऐसे पेशेंट को संभालने में सप्ताहों लगे हैं, वहां ये घंटों और दिनों में संभाली है। तो ये विलंब से सुनती है, ये कहना जो है ये इस पैथी के साथ जगाती है और मानव जात के साथ जगाती है और इस मनुष्य की जो एक जरूरत के लिए कोई इन्वेंशन कोई खोज होती है उसको बाधित करने की ये एक कोशिश है। ठीक है, अब आते हैं घरेलू दवाओं पे। मैं बता दूं कि घरेलू चिकित्सा में ये होम्योपैथी जितनी कारगर है कोई भी पैथी हो नहीं सकती। बिना किसी लाग लपेट के एक्सीडेंटल दवाएं हैं जो हजारों हजार रुपए बच सकते हैं। दो चार दस उल्टी और दस्त के बाद ही पानी चढ़ाने की जहां नौबत आ जाती है वहां ये चंद कुछ दवाएं घर में रखने से ये सारी समस्या दूर हो जाती है और बड़ी तेजी से लोग अपने स्वास्थ्य की तरफ लौटने लगते हैं। जैसा कि घरेलू दवाओं में एक्सीडेंटल दवाओं में आपको तीन चार दवाएं हैं, तो हम अगले अगली बार कभी मौका मिला तो उन दवाओं का मैं नाम बताऊंगा। बस जानकारी ये देना था दर्शक को कि होम्योपैथ में भी ऐसे मेडिसिन हैं जिनको घर में रखा जा सकता है और बुखार हो, कह दस्त अचानक से होने लगना या दर्द होने लगना, जो अचानक जानक कुछ भी बीमारियां होने लगती हैं उसमें वो ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं दवा के साथ करता हूँ कि कितना भी जटिल बीमारी का अटैक हो जितनी जल्दी ये दवा उसको कैद करती है उतनी जल्दी किसी भी सूरत में कोई पैथी नहीं कर सकती। तो आप लोगों ने डॉक्टर साहब से सुना कि होम्योपैथ जो है, इसे भ्रम को आप लोग अपने दिमाग से निकाल दें कि होम्योपैथ जो है वो देर से सुनता है। नहीं, होम्योपैथ में भी ऐसी दवाएं हैं जो कि तत्कालिक रिलीफ देती हैं और होम्योपैथ में भी ऐसी दवाएं हैं कि अचानक से दर्द होने लगे, बुखार आने लगे, कह दस्त होने लगे तो आप उससे राहत तत्काल पा सकते हैं। तो आपके पास और भी कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगले एपिसोड में डॉक्टर साहब उसका जवाब आप लोगों को देंगे। तो अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरकारों के साथ। तब तक बात बेबात देखते रहिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार।